आपकी पीएससी बैठक में थमा, दो दिनों से चल रहा घमासान, कुमार विश्वास को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। पीएससी की बैठक में अमानतुल्ला खान को आम आदमी पार्टी से किया गया सस्पेंड, वहीं अमानतुल्ला ने कहा कि सस्पेंड की नहीं मिली जानकारी। पंकज गुप्ता की अध्यक्षता में पार्टी विधायक अमानतुल्ला के बयान की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में आशुतोष भी सदस्य रहेंगे। आपके अंदर कले पर विपक्ष ने साधा निशाना, मनोज तिवारी ने कहा आपका असली चेहरा सामने आया, वहीं कांग्रेस की अजय माकन ने आपको बताया बीजेपी की बीटी। शिवपाल यादव की धमकी, मुलायम सिंह यादव को सौंप दे पार्टी की कमान, वरना बनाऊंगा अलग नई पार्टी। यूपी की रामगंगा नदी में खतरनाक कूड़ा फेंकने वालों की खैर नहीं, एनजीटी ने लगाया भारी जुर्माना, कूड़ा फेंकने पर भरना पड़ सकता है 1,00,000 रुपए का जुर्माना। यूपी के राज्यपाल राम नाईक से मिलने पहुंचे गायत्री प्रजापति के परिजन, सोमवार को योगी से मुलाकात करने पहुंचे थे लेकिन सीएम योगी ने मुलाकात से इनकार कर दिया था। पहली बार 109 विधायकों को सीएम योगी ने लखनऊ में किया संबोधित, कहा बिना किसी दबाव हिचक के करे काम। हरिद्वार में पीएम मोदी ने बाबा रामदेव के पतंजलि रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन, सेंटर और उसकी खासियतों का पीएम ने खुद लिया जायजा। पीएम मोदी ने केदारनाथ का कपाट खुलने के बाद बाबा भोले का किया रुद्राभिषेक, 27 साल बाद कोई पीएम ने बाबा केदारनाथ के हैं दर्शन, पीएम के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। यूपी की एटीएस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, संदिग्ध आईएसआई एजेंट आफताब अली को फैजाबाद से किया गिरफ्तार। सीमा पर तनाव के मद्देनजर पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर सख्त हुआ भारत, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत आए 47 पाकिस्तानी छात्रों को लौटाया गया, विदेश मंत्रालय ने कहा एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए ये वक्त सही नहीं। भारतीय जवानों से बर्बरता के मामले में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित विदेश मंत्रालय में हुए पेश, भारत ने सैनिकों के साथ बर्बरता करने वाले पाक कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते घायल हुए चेतन चीता फिर आतंकियों को जवाब देने के लिए तैयार, कहा मैं चाहता हूं कोबरा ज्वाइन करना, कश्मीर को है मेरी जरूरत। पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ देश में लगातार देखने को मिल रहा है गुस्सा, नोएडा के सेक्टर 72 में भारतीय किसान यूनियन ने पाक का पुतला फूंक दिखाया रोष, पीएम मोदी से आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार महिला ने पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे, पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ा रैकेट है जिसे नेताओं को ही निशाना बनाता है, इसमें महिला के साथ एक लड़की भी शामिल है। हापुड़ में धौलाना के ककराना गांव में लापता प्रेमी युगल के शव मिलने से सनसनी, जंगल में पेड़ से लटके मिले दोनों के शव, 27 तारीख से लापता था प्रेमी युगल। हापुड़ के अरसिंहपुर गांव में घर में रखे पटाखों में अचानक हुआ विस्फोट, आसपास के चार घरों के उड़े पर खच्चे, विस्फोट में एक महिला की मौके पर मौत, दो लोगों की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंडीगढ़ में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बैठक में शामिल हुए सीएम खट्टर, कहा पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए खुलेंगे पब्लिक स्कूल, मकान बनवाने की संभावना के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्य मंत्री करणदेव कंबोज एक्शन में आए नजर, जमीन की गड़बड़ी में वक्फ बोर्ड के पटवारी को सस्पेंड करने के दिए आदेश। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सुभाष बराला ने माना निचले स्तर पर फैला है भ्रष्टाचार, बराला ने कहा जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भिवानी में एसवाईएल मुद्दे को लेकर आईएनएलडी का धरना प्रदर्शन, कहा हरियाणा को पानी दिलाने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर करना होगा संघर्ष, इनेलो 10 जुलाई को पंजाब का दिल्ली जाने वाले रास्ते को रोकेगी।
जेल में बीए की छात्रा सुसाइड मामले ने पकड़ा तूल। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में दिया धरना। प्रशासन के समझाने के बाद खत्म किया धरना। सोनीपत के मूरथल थाने में एएसआई वीरेंद्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। के विश्वनाथ कुमला दास साहपाल के पुरस्कार। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार कुमला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड।